के मौके पर लगातार सरकार की जो जनहित योजनाएं थी उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो सरकार में मंत्री हैं वो लगातार सरकार के जो बेहतर कदम उठाए गए थे, जनता के हित में किए गए जो काम थे उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना काल होते हुए भी सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, जनहितकारी कदम उठाए हैं और यही वजह है कि लोग सरकार के कामकाज से बेहद खुश हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुशांत पारिक ने। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ में हैं और जो जिम्मेदारी दी गई है प्रताप जी को उसके लिए जिलों के दौरे पर भी जाएंगे। प्रताप जी, दूसरा साल एक तरीके से कहें कोरोना की चुनौती बड़ी चुनौती और कैसे टारगेट सरकार पूरा करेगी? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इन दो वर्षों के कार्यकाल में जो कांग्रेस की गहलोत सरकार का एक वर्ष चाहे वो पूरी दुनिया का कोरोना संकट में बीता, लेकिन एक अच्छी बात है कि राजस्थान सबसे लीडिंग स्टेट रहा जहाँ से जो भी योजना निकली उसको पूरे देश ने फॉलो किया, पूरे देश की राज्य सरकारों ने फॉलो किया। कांग्रेस की गहलोत सरकार पहली ऐसी सरकार रही देश में जिसने कोरोना संकट में जो इलाज का काम शुरू हुआ, तो कोरोना की जांच फ्री यदि किसी ने की सबसे पहले तो वो राजस्थान स्टेट रहा। और इसके बाद सबने फॉलो करते अब जाके किसी ने 6 महीने बाद 7 महीने बाद 8 महीने बाद, क्योंकि शुरुआत में जांच करवाना ही मुश्किल था, सरकार आगे बढ़ी और ये तय हुआ कि भाई कोई भी भूखा नहीं सोएगा का नारा दिया और सब लोगों के लिए 6 करोड़ लोगों के लिए गेहूं दाल उपलब्ध कराए गए और लॉकडाउन के दौरान पकावा भोजन, पूरा भोजन, घर घर में सूखे राशन के किट, ये सब योजना लेकर हम लोगों तक पहुँचे और लोगों को रिलीफ रहा, कहीं भी हाहाकार नहीं मचा। फिर नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके बाद कहा कि इलाज के अभाव में किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का इलाज पूरे राजस्थान की सरकार ने तय किया, 40,000 के इंजेक्शन या कितनी भी कीमत थी इंजेक्शन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगे और उसके रिजल्ट भी आए। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और माना। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि यदि कोई सरकार अच्छा काम करे तो एक बात तय है कि उसको पीठ थपथपानी चाहिए और ऐसा हमें मिला भी। जब हम कोटा, जयपुर और जोधपुर का चुनाव लड़े तो जहां हमेशा से बीजेपी का मैंडेट आया, बीजेपी जीती, वहां पर हमारा परसेंटेज ऑफ वोट भी ज़्यादा आया। कोटा में दोनों निगम हम जीत गए, जयपुर और जोधपुर में हम एक एक जीते। पंचायत चुनाव आए, परसेंटेज ऑफ वोट थोड़ा सा हमारा ज़्यादा था, लेकिन इसके बाद वहाँ हमारी संख्या कम रही। हालांकि प्रधान 98-98 बराबर बने, लेकिन जिला परिषद है उनकी ज़्यादा बनी बीजेपी की, हम इस बात को स्वीकार करें। लेकिन दो दिन बाद ही जब निकाय चुनाव के रिजल्ट आए तो जहां हम परंपरागत रूप से बीजेपी जीतती है वहां बुरी तरह से बीजेपी को कांग्रेस ने हरा दिया। कांग्रेस पहले नंबर पर रही, निर्दलीय दूसरे नंबर पर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। ये गहलोत सरकार के कामकाज को जनता ने मोड़ लगाई। क्या ये लगता है कि कोरोना की वजह से जो योजनाएं जिनको अमली जामा पहनाने के लिए इच्छुक थी सरकार वो नहीं कर पाई, सेक्टर प्रभावित हुए हैं कई? इसमें कोई दोहराई नहीं, कई सेक्टर प्रभावित हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी, आपने नोट की होगी, 501 जो हमारे वादे थे जन घोषणा पत्र के, उन वादों में से हमने 551 वादे तो पूरे कर दिए आपके 2-3 महीने पहले हमने जब घोषणा की थी। 551 वादे पूरे करना और 35% वादे हमारे पाइपलाइन में थे जो लगभग काफ़ी पूरे हो गए, तो हमने जो वादे चुनाव से पहले किए उनमें तो हम 75-80% ज़्यादा हमारा रिजल्ट है। तो कोरोना संकट के दौरान हम हमारे वादों से पीछे नहीं हटे, सारा काम हमने किया और वो काम चलता ही गया। ये बड़ी बात है कि कोई काम रुके नहीं और काम हम कर पाए। आपको आश्चर्य होगा कि रोडवेज की स्थिति बहुत ख़राब थी, हमने लगभग 900 बसें, 885 लगभग 900 बसें हमने नई खरीदी पहली बार आज़ादी के बाद। रोडवेज जब पिछली सरकार इतने घाटे में छोड़ गई, रोडवेज लाइफ लाइन है, तब हमने लगभग 900 बसें नई खरीदी। इलेक्ट्रॉनिक बसें 50 हमारी नई आ रही है रोडवेज के लिए और रोडवेज के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की। डीजल पेट्रोल लगातार 103% एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ने के बावजूद हमने किराए नहीं बढ़ाए। आपको ये भी पता होगा प्राइवेट बसों के लॉकडाउन के दौरान जब बसों की स्थिति ये हो गई कि 75% सर्विस प्राइवेट बसों की हमारे हमसे मिले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिले, तो उनके टैक्स माफ़ किए गए, बड़ा फैसला था। ये पूरे देश में पहला राज्य ऐसा बना जिसने टैक्स माफ़ करके एक मॉडल अपने आप को स्थापित किया, उससे आज वो सब सर्वाइव कर सके। अलग अलग सेक्टर में लोगों को रिलीफ दी गई कोरोना संकट के दौरान,
लेकिन सरकार ने कहीं भी हाथ खड़े नहीं किए। हमने आजादी के बाद कभी भी देश में गैस सिलेंडर पर 100 रुपए 15 दिन में नहीं बढ़े। अभी 13 दिन पहले 50 रुपए बढ़ाए थे, अब 13 दिन बाद फिर 50 रुपए बढ़ा दिए। 103% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर इन्होंने लगा दिया। अब इनके केंद्रीय मंत्रियों को शर्म नहीं है तो कहते हैं राजस्थान वेट कम कर रहे। राजस्थान के पास तो तुम पैसा देती नहीं है केंद्र सरकार, और राजस्थान को थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है जो डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, वो भी कह रहे हैं आप खत्म करो। तो हम खत्म भी कर देंगे, तो आप एक्साइज ड्यूटी हटा लो, ये एक्साइज ड्यूटी हटा ले पूरी, तो हम भी कम कर देंगे। खुद तो कम करें, खुद कम करेंगे नहीं, काम करेंगे ना। गैस सिलेंडर पे तो हमारा कोई रोल, गैस सिलेंडर पे आपने 100 रुपए बढ़ा दिए 15 दिन में, तो आपको दर्द से मतलब नहीं है। पूरा जो रोडमैप है, ना केवल इन 2 साल के कार्यकाल का, बल्कि आने वाले साल का पूरा खाका भी जनता के बीच में रखा जाए। और बड़ी बात ये कि ना केवल सरकार की उपलब्धियों की बात की, बल्कि भाजपा पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जो कोशिशें की हैं इस पूरे एक साल में, कांग्रेस का जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहा इसके पीछे भाजपा थी, लेकिन ये मंसूबे कामयाब जो है कांग्रेस की एकजुटता नहीं होने देगी। कैमरामैन संजय के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।